एक्सेसिव एक्टिविटी या एक्सेसिव एक्टिव बच्चों के बारे में मैं आपको तीन टिप देने वाला हूँ आज, उसके बारे में बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हाइपर एक्टिव बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली एक्टिव बच्चे जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करेंगे ऐसे बच्चे। मेरा ये बोलना नहीं है कि वो ADHD है, ADHD मतलब वो बीमारी है, तो मैं वो नहीं बात कर रहा हूँ। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD, उसके बारे में मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है। ये हाइपर एक्टिविटी, ज़्यादा बच्चे एक्सेसिव है, एक्सेसिवली एक्टिव है, तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आजकल ये ज़माना ऐसा है कि यहाँ हाइपर कम्युनिकेशन हो रहा है। हाइपर कम्युनिकेशन मतलब बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन। अभी TV है, ऑनगोइंगली हमको न्यूज़ मालूम पड़ते रहते हैं, क्या हो गया क्या नहीं, क्या हो गया क्या नहीं। यूट्यूब के ऊपर से सब चैनल्स उपलब्ध है, गूगल की तरफ से जानकारी मिलती है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, मोबाइल से, इंटरनेट है, सभी माध्यम से कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग के ऊपर आती रहती है। पुराना ज़माना ऐसा नहीं था। मैं जब बंगलोर में था, 79-80 की बात है, तो ज़माने में हमारे घर पर फ़ोन भी नहीं थे, वहाँ भी फ़ोन उपलब्ध नहीं थे, नंबर लगा के रखना पड़ता था। तो मेरे दादाजी गुजर गए तो 15 दिन बाद मुझे मालूम पड़ा, जब मुझे खत मिला दादाजी गुजर गए करके। अभी तो क्या एक सेकंड में मालूम पड़ जाता है क्या हो गया, तो अमेरिका में क्या हो गया अभी यहाँ मालूम पड़ जाता है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो गया और ये ज़माने में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बच्चों में दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बच्चों को है, बहुत ज़्यादा नॉलेज उनको है, और ये जो है वो बराबर है अभी कि 2040-2050 मतलब आज से 20 साल बाद, आज से 30 साल बाद ये दुनिया कैसी रहेंगे वो हिसाब से आज के बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो वो वैसा हाइपर एक्टिव नहीं है, हम पेरेंट्स उनसे एडजस्ट नहीं हो पा रहे। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने उनको ब्लेम करना नहीं है, उनको दोष देने का नहीं है, और उनकी ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा एक्टिविटी प्रोडक्टिव काम में कैसे लगाएंगे वो सोचना है। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा देंगे, लाइन में कैसे लगाएंगे, मतलब ज़्यादा एक्टिविटी है, ज़्यादा उसको गुस्सा आता है, ज़्यादा खेलकूद करता है, तभी वो प्रोडक्टिविटी में कैसे लगाएंगे एनर्जी, हाँ वो हमको देखना। तो हमको उनको ब्लेम करना नहीं, उनको लेबल देना नहीं कि वो हाइपर एक्टिव है, उनको जैसा है वैसा स्वीकार करो, पहली टिप। दूसरा जो है वो हमको लाइफस्टाइल बदलना पड़ेंगे बच्चे की। लाइफस्टाइल मतलब ऐसा है कि बच्चे आईपैड में, मोबाइल में, टीवी के ऊपर, फिर ऑनलाइन एजुकेशनल उनके सॉफ्टवेयर्स, मतलब उसमें सब जो गैजेट्स है उसमें बिजी है। वो मोबाइल पे मूवी देखेंगे, मोबाइल में गेम्स खेलेंगे, और फिर वो होता क्या है कि वो अपने आप स्व केंद्रित हो जाते हैं। वो मोबाइल में फुटबॉल खेलेंगे, मोबाइल में क्रिकेट खेलेंगे, मोबाइल के ऊपर ताश खेलेंगे, सब मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, एक्चुअली खेलना होता ही नहीं बाहर। तो अभी उनको हमको ये जो है स्व केंद्रित होना, तो स्व केंद्रित होने से उनको हटाना पड़ेगा, और उनकी जो एनर्जी है, उनका जो फोकस है, वो अलग अलग तरह से उनका स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। जैसा कि बच्चों को हम बगीचे में ले जाते हैं, वहाँ उनके हाथ में खेलते हैं, या कोई ऐसे गेम खेलते हैं जिसमें 2-4 लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, टीम खेलेंगे, टीम में खेलेंगे, कोई कैरम खेल रहे, चेस खेल रहे, तो जू में लेके जा रहे, कोई नेचर में ऐसे जस्ट घूमने के लिए चले गए, तो ऐसा उनके साथ में टाइम स्पेंड करना बच्चों के साथ में, और उनको स्व केंद्रित होने से उनको प्रिवेंट करना, और उनकी एनर्जी और कहीं तो भी अच्छे कामों में लगा देना, या नेचर के साथ में, या गेम्स में, या लोगों के साथ में उनका टाइम बिताना, ये जरूरी है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो हाइपर एक्टिविटी का जो हम कम कर सकते हैं, वो है उनका खाना पीना। यदि वो अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज 40 मिनट से लेकर 1 घंटा तक, तो खेलते होंगे तो बहुत ही अच्छा है, मगर खेलने के साथ में एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन, और खान पान में जंक फूड बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। सब पिज़्ज़ा है, बर्गर्स है, नूडल्स है, या फिर क्रीम वाली चीज़ें है, तो सब मतलब मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाना, तो ये सब अवॉइड करते हैं, और एकदम हेल्दी फूड, और जो फूड अल्कलाइन है बजाय एसिडिक, तो एसिडिक नहीं होना, क्योंकि ये सब मैदा वाले फूड जो है ना एसिडिक रहते हैं ज़्यादा, तो अल्कलाइन फूड ज़्यादा खाते हैं, अल्कलाइन फूड का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये हम उनको खिलाए पिलाए, खान पान और एक्सरसाइज।
शारीरिक एक्सरसाइज और मानसिक एक्सरसाइज दोनों भी। मानसिक मतलब मेडिटेशन, सेल्फ हिप्नोसिस, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, सेल्फ अफर्मेशंस, और उसके साथ साथ 40 मिनट से लेकर एक घंटा फिजिकल एक्सरसाइज, तो उनकी जो हाइपर एक्टिविटी है ना वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, वो एक अच्छे काम में लगेंगी और उसमें वो थक भी जाएंगे, उनको अच्छी नींद आएगी, और बाकी जगह वो मतलब पढ़ाई करना है या और कुछ उनका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा लगे। तो ये तीन बातें मैं फिर से रिपीट करता हूँ। नंबर एक कि हाइपर एक्टिविटी का स्वीकार करो, दोष मत दो, ब्लेम मत करो, लेबल मत करो। नंबर दो, लाइफस्टाइल बदलो, और नंबर तीन, फिजिकल और मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान दो। ये तीन टिप्स मैंने आपको बताया, ये तीन टिप आपका आप उसका इस्तेमाल करते हो डेफिनेटली आपका बच्चा जो है जो हाइपर एक्टिव लगता है आपको वो सही ढंग से सही मायने से लाइन पे लगेंगे और स्ट्रीमलाइन उसकी एनर्जी हो जाएंगे। कि वो अच्छा लगा तो जरूर सभी पेरेंट्स लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।